Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. नमस्कार 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 नमस्कार। ये वाकया आप देखने जा रहे हैं, ये है 1980 के दशक का वाकया। तो क्या हुआ, एक रात को जब कुत्ते बहुत ही ज्यादा खुश थे, जोर जोर से भौंक रहे थे, और चमगादड़ जो है वो पेड़ों पर उल्टे लटक कर बैलीदास का प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ चूहे अपने बिलों से बाहर निकल कर खाने पीने का प्रोग्राम कर रहे थे, तभी उनकी जो प्रजाति थी उससे मिलती जुलती प्रजाति में एक ओए होए ओए होए करते हुए मानव का जन्म हुआ। जाहिर है कि आप लोग उनका नाम जानते ही हैं, उनका नाम रखा गया चंदू। तो हर एक इंसान की तरह उन्हें भी विरासत में बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, बालतो, गदूद और बेफालतू के सपने आने की लाइलाज बीमारी। तो आपके और मेरे ना चाहते हुए भी हम देखते हैं चंदू का एक वाहियात सपना। रोल साउंड, ओए होए ओए होए 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 होए। ओह अर्चना जी, हाँ बुरी मेरी पत्नी, हाँ और मैं इसका पति। वाह, आते साथ फूल पत्ती खाने लगे, तुम्हारी गरीबी कब जाएगी चंदू? कब? तुमसे तो रोमांस भी नहीं हो पाता। तो रोमांटिक होने के लिए मैं क्या दीवारों की चुम्मियां लेकर दिखाऊं तुम्हें? इस समय कौन आ गया? अरोड़ा साहब, आप? मैं, मुझे सोनी साहब ने बड़ा अर्जेंट भेजा है। क्यों? वो कहते हैं दोनों ने जाके पहले 3 मिनट तो खराब कर दिए। चौथा कह रहे तुम बचा लो। तुम मुझे जानते कैसे हो? जानते कैसे मतलब, अरोड़ा साहब अब वही है ना, अरे मुंबई में हमारी सोसाइटी में आते हैं। अच्छा, वो ऋतिक है। वो मेरी शक्ल मिलती थोड़ी सी, इसलिए कभी कभी लगता हूँ मैं हूँ नहीं मैं वैसे। आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, मैं एक पेन बनाने वाली कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी ने बहुत ज्यादा पेन बना ली है, एक ले लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कोई पेन। और होटल में पेन है? देखो मैडम, होटल का खाना भले खा लेना, लेकिन उसका पेन इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? अरे लोगों ने पता नहीं इससे क्या क्या लिखा हुआ। ओ भाई साहब, हम इधर पेन खरीदने नहीं आए। तो फिर इधर क्यों आए हो? जल्दी बताओ ना, मैं पुलिस को बता दूंगा। इधर दूल्हा दुल्हन के कपड़े में ड्रग रैकेट चला रहे हो तुम लोग। पुलिस क्या, तुम आर्मी बुलाओ, नेवी बुलाओ, जो करना है करो, हम किसी से डरते नहीं है। वो तुम्हारे बाप के नौकर नहीं जो तुम्हारे कहने पे आ जाएंगे। हाँ जाइए यहाँ से, हम हनीमून मना रहे हैं। मैं कहता हूँ पेन ले लो, थोड़े दिन बाद तुम्हारा तलाक होगा, काम आएगा। आपको शर्म नहीं आती? हमारी अभी अभी शादी हुई है। तो बी पॉजिटिव हो जाएगा क्या? यहाँ के तलाक बड़े मशहूर है, लोग दूर दूर से आते तलाक लेने। आपको पता है सीजन में तो इतनी भीड़ होती है, एक आदमी किसी दूसरी औरत से तलाक ले गया, उसकी बीवी थी भी नहीं, इतना मशहूर है यहाँ का तलाक। आप चाहते क्या है? वो तुम मानोगी नहीं। खुश हो जाएगा, बलम ले लो 100 रुपए की कलम। देखो आज गुलजार साहब इधर होते ना खड़े, तो मेरे को 500 रुपए देते, शाबाश देते। अगर गुलजार साहब ये लाइन सुनते ना, उन्होंने आपके चरखे का चप्पा चप्पा तोड़ देना था। और नहीं चाहिए भाई साहब आपका पेन, प्लीज चले जाइए यहाँ से। 100 रुपए का पेन लेने की हिम्मत नहीं है, हनीमून मनाने आए। देखो बिल्कुल। तो मुझे एक बार बताओ, हनीमून क्या हमने पेन से मनाना है? शट अप! अब किसी का हनीमून खराब कर रहे, आपको दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा, सारे फूल फूल ठीक ठीक लगे हुए, कुछ ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा। आप जाए तो हनीमून हो। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बोनी खराब की, तुम्हारा हनीमून खराब होगा।
देखना तुम इस पे बैठोगे तुम्हारी रजाई में से सांप निकलेगा। मुझे तुम लोगों का हनीमून पसंद ही नहीं आया। पसंद नहीं आया। ये है तुम्हारा 7-स्टार होटल पूरी, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। नॉनसेंस, पता नहीं मैं क्यों आई यहाँ पे तुम्हारे साथ हनीमून मनाने। सोना इधर बैठो, इधर बैठो। देखो भूरी, पूरी कायनात चाहती है कि चंदू और भूरी आज एक हो जाएं। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? मेरे पास एक रोमांटिक आइडिया भी है। क्या? हम दोनों एक दूसरे के आंख पर पट्टी बांधेंगे। उसका क्या फायदा? उससे तुम्हें मैं सुंदर दिखूंगा और मुझे तुम सुंदर दिखोगे। मान भी गई। आई ला, अब वो कैसे बांधेगी? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बांधो 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 बांधो। तुम वही हो ना अभी जो पेन बेचने के लिए आए थे? तुम भी वही हो ना बुके नंगे आदमी जिसके पास 100 रुपया भी नहीं निकला था पेन लेने के लिए। एक सेकंड, ये खाना हमने ऑर्डर नहीं किया है। ऑर्डर तुम कर भी नहीं सकती, तेरा मुंह ही फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला है। ये खाना तुम्हें ऑर्डर कर दियोगी। ये खाना मेरा और मेरी बीवी का है। पिछले 10 साल से हम इसी कमरे में बैठ के खाना खा रहे हैं। आपकी बीवी किधर है? बहुत देखो पीछे कपड़े बदल रही। क्या है तुम्हें? तुम्हारे पति को शर्म नहीं आती किसी की बीवी को कपड़े बदलते हुए देख रहा है? मैं तुम्हारे पति को कपड़े बदलते हुए देखूं तो? बिल्कुल मत देखना, बहुत स्मेल आती है। भाई साहब मेरे को उल्टी आ गई। ऊपर से मुंह आपका ऐसा ना, मेरे को तो ये मुंह उठा के ये मोजा लगा लो। अच्छा रहेगा। खबरदार आपने मेरे पति के मुंह के बारे में कुछ बोला तो। तुम्हारा मुंह भी कुछ खास नहीं है। ऐसे लग रहा है छिपकली अंडे देके भूल गई है। बाकी बंद तुम टेंशन ना लो। कहाँ है आपकी बीवी, हमें तो दिख नहीं रही। ये बड़ी लंबी कहानी है, सुनाइए। और नहीं, इसमें हंसी नहीं है। वो फिर सोनी वाले पैसे काट लेते। मैं लेकिन अपने रिस्क पे आपको सुना देता हूँ। आज से 10 साल पहले मैं भी यहाँ पे हनीमून मनाने आया था। लेकिन किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरी बीवी को बता दिया। तो आप हनीमून किसके साथ आए थे? वो मैं मेरी बीवी की सहेली आई थी घर पे मिलने, और मैंने कहा बीवी को तो हर साल लेके जाते, आज सरप्राइज देते सहेली को। मैं सहेली को ले गया और मेरी बीवी ने आके मेरे को सरप्राइज दे दिया। बस तो बस, और मेरी बीवी ने आके मुझे देख लिया, इतना गुस्सा आ गया उसको कि वो मर गई। चंदू मुझे इसकी बातों से डर लग रहा है। और नहीं नहीं, आपसे डरावनी थोड़ी थी वो। देखिए अरोड़ा साहब, आप प्लीज जाइए यहाँ से, आप प्लीज जाइए। मुझे ये ऐसे चुड़ैल टाइप बातों से डर लगता है। अब बिताल जैसे आदमी के साथ हनीमून मनाने आई है, उससे डर तुम्हें डर नहीं लग रहा तुम्हें? मैं चलता हूँ, मुझे क्या। हाँ बागेवान मेरी बात सुनो, आज इन लोगों की वजह से तुम्हारा खाना खाना रह गया। अब एक काम करना, तुम्हें इन दोनों में से जो ठीक लगे तुम खा लो। बेवकूफ आदमी, तुम उधर से डिस्टर्ब करने लगे हो, ये तकिया क्यों फेंक रहे हो? और तुम भी कुछ फेंक दो, मुझे कंबल फेंक दो, मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा सुनो मेरी बात। हाँ जी। ये ऐसे ट्रेन से गुजरात जाओ। अच्छा। उत्तर रास्ते में कितनी बार सुसु आता है? मेरा पति के सुलभ शौचालय का मैनेजर है, जो उसको पता होगा। क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं एक्चुअली मेरी पड़ोसन जा रही है अपने बच्चों को लेके, तो मेरे से पूछ रही थी कि कितने डायपर कैरी करूं साथ में। ओ भाई साहब, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए। तो सुसु तो आता ही होगा। ये तुम्हारी किडनी ड्राई है। अरे इसकी किडनी ड्राई हो, ग्रेवी हो, आप अपनी बकवास बंद कीजिए। ओके। भूरी, अब सब शांत हो गया है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आओ। ओ मैंने कहा, ओ हेलो। हाँ जी। अगर अब आवाज आई ना तो फिर देख लेना। मेरी थोड़ी आ रही है, हथौड़ी की आ रही है। हथौड़ी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। Very good baby, this is the way. भूरी, I love.
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मुझसे बचो। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ गए? किधर गए? डब्बा। तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारा इधर इंतजार कर रहा हूं। आप हमारी विंडो पे क्या कर रहे थे? ओ, मैं देख रहा था, ऐसे थोड़ी मैं किसी के घर घुस जाता हूँ। मैंने पहले देखा कि सब ठीक ठाक है तभी अंदर आया हूँ। ऐसे थोड़ी गले लग के स्वागत करो। एक मिनट रुको। तुम इधर मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? और तुझे उन्होंने लिख के दे दिया कि इधर से आना, लेकिन तेरा अपना दिमाग तो है कि नहीं, इधर से आ जाता तू। बेवकूफ, छोड़ इसको। अभी मेरी बात सुनो। थोड़ी देर पहले तुम पेन बेच रहे थे, फिर खाना लेकर आए थे। हाँ तो सीखो मुझसे कुछ, एक अकेला आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, तो इधर शादी वाले कपड़े पहन के एंजॉय कर रहे हैं। अरे एंजॉय क्या होता है, हनीमून पे आए हैं हम। अच्छा वाह, इस बार हनीमून इतनी जल्दी आ गया, पिछली बार तो नवंबर में आया था। ओ अंकल, हनीमून है दशहरा नहीं है जो हर साल आता है। शादी के बाद हनीमून होता है। झूठ, शादी के बाद बच्चे होते। किस अनपढ़ आदमी से तुमने शादी कर ली? देखो इसका मुंह का स्पेलिंग ही गलत है। शुक्रिया आपके ज्ञान के लिए, अब आप दफा हो जाइए यहाँ से। घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है? ना हग ना किसी। सेल्फिश कहेगी। अरे सुनो, मुझे सुबह कहीं नहीं जाना इसलिए सो जाते हैं। मैं इधर सो जाता हूँ और तुम लोग तो सोफा पे सो जाओ कहीं ढूंढ के, और जल्दी उठाना मेरे को 5 बजे। आपको शर्म नहीं आती? हमारी शादी हुई है, हमारा हनीमून है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हनीमून में ऐसा क्या है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा? देखिए आप हमें हनीमून मनाने देंगे या मैं मैनेजर को बुलाऊं? मैंने मैनेजर के साथ नहीं मनाना। आप ऐसे बात नहीं मानेंगे, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। मैनेजर, मैनेजर। क्या बके जा रहे हैं आप? अरे क्या आप लोगों ने यहाँ पे कोलाहल मचा रखा है? क्या है बच्चा यादव? तुम जीजू? मैं भूरी, आपकी साली? नहीं 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 नहीं, हम मानते हैं हमें साली आप पसंद है, लेकिन इस तरह किसी भी ऐरी कैरी नत्तू कैरी को हम अपनी साली मान ले, नो 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 नो। आज तू बड़ा निक जोनस है, जापानी तंदूर। देखिए देखिए, आप ना अपने इस पति को जरा काबू में रखिए, वरना अगर हम बेकाबू हो गए ना तो अच्छा नहीं होगा। हेलो, ये इसका पति नहीं है? हाँ तो ठीक है, तो आप अपने पति को काबू में रखिए वरना। वो इसका पति नहीं है। हाँ तो जब ये क्लियर ही नहीं है कि कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी है, तो हनीमून मनाने क्यों आए हो तुम? तो देखिए मैनेजर साहब, ये मेरा पति है। हाँ। हमने शादी की है, हम आपके होटल में हनीमून मनाने हैं, आप मैनेजर है, और मैं बोलूं कि ये आदमी हमें परेशान कर रहा है। Can you repeat, please? Excuse me? ये आदमी आपको परेशान कर रहा है? जी हाँ। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि जिसके साथ आप आई हैं वो आपको आज के दिन परेशान नहीं करेगा? ओए यार, और मेरी बीवी है, मेरे साथ हनीमून पे यहाँ आई है। आपने इस चीज को अपना पति बना लिया? अरे रे रे, ठीक है भाई, अपना अपना कर्म है, भुगतना पड़ता है, फिर आप भुगतो। ओए कर्म को छोड़ो, इसको पहले बाहर निकालो,
और वो भैंस को भी बाहर निकालो, चलो। नहीं 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 नहीं, इसको यहाँ पे रहने दीजिए, इसने कभी हनीमून नहीं देखा है। देखो ना कितना स्माइल भी कर रही है। देखिए आप या तो भैंस को निकालिए या तो मैं उठा के फेंक दूंगी। तुम इसे उठा के फेंको। तुम जितनी हो ना उतना ये सुबह सुबह फ्लश कर देती है। बिल्कुल। मैनेजर आप कुछ करते क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो? ये हमने कुछ किया? कुछ किया? आप इस आदमी का कुछ करते क्यों नहीं? क्या अरोरा साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे एक कपल को तो आपने जान से मार दिया, उसके बाद इस कपल के पीछे पड़ गए हैं आप। देखो वो कुछ भी मैं नहीं जानता, लेकिन तुम इन दोनों के साथ वो सब नहीं करोगे जो तुमने पहले कपल्स के साथ किया है। क्या किया था? अरे पहले कस्टमर को पानी पिलाता है, फिर 10 मिनट बाद चाय मंगा लेता है। चलो यहाँ से चलो, ये आदमी ना दिमाग खराब कर देगा हमारा। चलो इसके पहले कौन से तेरे दिमाग में आइंस्टाइन वाले आइडिया आ रहे थे? मैनेजर साहब ये आदमी हमें सुबह से ऐसे परेशान कर रहा है, कभी कह रहा है इस कमरे में भूत है, कभी कहता है पेन ले लो, कभी कहता है खाना ले लो। तो आपने लिया? नहीं। तो आप भी तो परेशान कर रहे हैं ना। फिर अरे एक मिनट अरोरा साहब। हाँ जी। कहीं आपने इनको वो बात भी तो नहीं बता दिया कि ये जो उस बेड के ऊपर हनीमून मनाने वाले हैं उसके नीचे लाश है? नहीं बताई, नहीं बताई, लाश वाली बात नहीं बताई। जादू बहुत हो गया, मुझे नहीं मनाना हनीमून शनीमून। हमें भी कोई जल्दी नहीं है। पूरी पूरी मेरी बात सुनो, पूरी पूरी। सपने में भी कुछ नहीं हो पा रहा। ये चाइनीज सपना देखा होगा, ये चलता नहीं, ठीक नहीं है। असल जिंदगी में मैं कुछ करूं ना करूं, हाँ जी, लेकिन आज सपने में मैंने तुम दोनों का कत्ल करना ही करना है। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ असल जिंदगी में भागते हैं? सपने में तो हम और भी तेज भागते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.